में तेज नहीं है मुंबई इंडियंस, अपने ऑक्शन लीग में हमेशा तेजी दिखाती है और हमेशा बढ़िया पैसों में बढ़िया प्लेयर लेके जाती है, और यही कारण है कि मुंबई इंडियंस हमेशा ज़्यादातर सेमीफाइनल या फाइनल में जाके जीतती है चाहे हारती है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ मुंबई के 5 प्लेयर जो मुंबई ने रिटेन किया, आप किसी भी टीम से कंपेयर कर लेना, ऐसा किसी ने रिटेन नहीं किया जैसा मुंबई ने रिटेन किया अपने 5 प्लेयर, मैं आपको बताता हूँ सुनो। तो पहले नंबर पर जसप्रीत बुमराह, अगर वो ऑक्शन में जाते तो कहीं ना कहीं 20-25-30 करोड़ लेके आते, तो मुंबई ने उनको रिटेन किया 18 करोड़ रुपए में। जसप्रीत बुमराह को पहला प्लेयर लिया है मुंबई ने अपना, जसप्रीत बुमराह। दूसरे नंबर पर आते हैं सूर्य कुमार यादव जो इंटरनेशनल में इंडिया के कैप्टन हैं, उनको 16 करोड़ 35 लाख रुपये में मुंबई ने अपना दूसरा प्लेयर रिटेन किया है। तीसरे प्लेयर की बात करते हैं हार्दिक पांड्या, जिन्हें कप्तानी मिलने के बाद लोगों ने उनको बुरा भला कहा, उल्टा बोला, मैच के बीच में उन्हें उल्टा बोला, काफ़ी बेइज्जती भी की उन्हें, काफ़ी इंसल्ट किया, लेकिन आपको बता दूं 16 करोड़ 35 लाख रुपए में मुंबई ने उन्हें फिर से अपनी टीम में शामिल किया, जो तीसरे प्लेयर है मुंबई इंडियंस के। अब बात करते हैं चौथा प्लेयर मतलब रोहित शर्मा, जो मुंबई को कई बार ट्रॉफी जिता चुके हैं और मुंबई की कई साल कप्तानी कर चुके हैं, वो भी मुंबई में रिटेन किए गए हैं। मतलब कप्तान नहीं रहेंगे, कप्तान तो हार्दिक पांड्या रहेंगे, लेकिन उनको भी रिटेन किया रोहित शर्मा जो चौथे प्लेयर है। पांचवे नंबर पर है तिलक वर्मा, लेफ्टी हैंड बल्लेबाजी करते हैं, उनके छक्के तो आप सभी ने देखे हैं, लेग साइड के ऑफ साइड के, तो उनको मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ में रिटेन किया। तो 5 प्लेयर हैं मुंबई के, पहले नंबर पर जसप्रीत बुमराह, दूसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, तीसरे नंबर पर कैप्टन हार्दिक पांड्या, चौथे नंबर पर कैप्टन नहीं है पर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में रहेंगे, और पांचवें नंबर पर तिलक वर्मा। तो क्या ये पांच खिलाड़ी, ऐसे ही पांच खिलाड़ी आप किसी भी टीम के परफेक्ट बता दीजिए जो मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया, इसलिए कहते हैं तेज रहती है इनकी, इन्होंने पांच अपने बहुत ही गजब प्लेयर रिटेन किए हैं जो इनकी तरफ से खेलेंगे, और ये बेहतरीन प्लेयर है जिनकी मैं आपको तारीफ कैसे ही बताऊँ। मतलब बुमराह ने तो भाई सबसे ज़्यादा बेस्ट प्राइस लेके अब टीम के अंदर आ गए हैं, वही सूर्य कुमार 16 करोड़ 35 लाख रुपए मिले हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेशनल कैप्टन है, जरूरी नहीं है मुंबई इंडियंस की तरफ से कैप्टन में। हाँ, उधर से हार्दिक पांडे के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं चलो भाई हमारे भाऊ हार्दिक पांडे कैप्टन रहेंगे मुंबई इंडियंस में, तो उनके फैंस में अलग खुशखबरी है। तो चौथे नंबर पर जो रोहित शर्मा के फैंस हैं उनका कहना ये है कि ठीक है भाई कैप्टन नहीं है तो क्या, वो मुंबई इंडियंस में हमारे प्लेयर जो रोहित शर्मा है, जो उनके फैन है, वो कह रहे हैं वो टीम में है, वो बहुत बड़ी बात है। पांचवें नंबर पर तिलक वर्मा है, ठीक है अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो ये 5 प्लेयर की लिस्ट मैंने आपको बता दी है जो मुंबई इंडियंस के अंदर मुंबई की तरफ से खेलेंगे। दोस्तों आपको जानकर